चलिए फिर इंडिया के बारे में आपको बोल दूं दोस्तों। जी हां, अब कहा जा रहा है कि Redmi Note 10, जी हां Redmi Note 10 ये फोन जो है ये शायद आ सकता है 1000 Dimensity 1000 प्लस। इसके पहले भी एक दो बार मैंने बताया हुआ है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टेक्निकल नरवार। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे Redmi Note 10 Pro स्मार्टफोन के बारे में, जो कि बजट सेगमेंट में फर्स्ट डुअल 5G डिवाइस होने वाला है, जिसके अंदर आपको MediaTek की तरफ से लेटेस्ट Dimensity 1000 प्लस का चिपसेट देखने को मिलेगा और इसी के साथ 108 मेगापिक्सल का पेंटा रियर कैमरा एंड 5500 mAh की पावरफुल बैटरी देखने को मिलेगी। और दोस्तों ये स्मार्टफोन चाइना की एक ऑफिशियल वेबसाइट और 3T सर्टिफिकेशन पर ऑलरेडी लिस्ट हो चुका है। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ Redmi Note 10 Pro की फुल स्पेक्स के बारे में डिटेल में, और ये स्मार्टफोन कब तक और कितनी प्राइस रेंज पर मार्केट के अंदर लॉन्च हो सकता है। तो दोस्तों वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, सो वीडियो को बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। बट आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जल्दी से लाइक कर दीजिए, साथ ही चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दीजिए। चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं इस फोन के परफॉर्मेंस के बारे में। तो यहाँ पर आपको MediaTek Dimensity 1000 प्लस का एक पावरफुल चिपसेट देखने को मिलेगा, जो कि बजट प्राइजिंग के अंदर सबसे पहले आपको इसी डिवाइस के अंदर देखने को मिलने वाला है। दोस्तों ये चिपसेट एक दमदार परफॉर्मेंस करने वाला है और ये स्मार्टफोन 3 रैम वेरिएंट के साथ आने वाला है, 6GB 64GB 6GB 128GB and 8GB 256GB। वहीं पर दोस्तों बात करें इस फोन की डिस्प्ले के बारे में, तो इसके अंदर आपको 6.67 इंच की फुल HD प्लस एक सुपर एमोलेड पैनल देखने को मिलेगा, जहाँ पर आपको 120Hz का रेफ्रेश रेट देखने को मिलेगा, जो कि डिस्प्ले की क्वालिटी को बहुत ही स्मूथ कर देगा। और दोस्तों इस फोन के अंदर आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर एंड इसकी डिस्प्ले पर गोरिल्ला ग्लास 6 का प्रोटेक्शन देखने को मिल जाएगा। अब बात करते हैं इस फोन के कैमराज के बारे में। तो इसके अंदर आपको रियर साइड में पेंटा कैमरा सेटअप देखने को मिलेगा, जिसका प्राइमरी सेंसर होगा 108 मेगापिक्सल का, जिसमें सोनी का IMX686 का सेंसर यूज किया जाएगा और इसी के साथ 20 मेगापिक्सल का एक अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस, 16 मेगापिक्सल का टेलीफोटो लेंस, 5 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर एंड 2 मेगापिक्सल का माइक्रो लेंस देखने को मिलेगा। फ्रंट कैमरे की बात करें तो यहाँ पर आपको सेल्फी के लिए 44 मेगापिक्सल का AI पॉपअप सेल्फी कैमरा देखने को मिल सकता है। और दोस्तों इस फोन के अंदर आपको आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉइड 10 का सपोर्ट देखने को मिलेगा, जो कि MIUI 11 पर रन करेगा। तो दोस्तों बात करें इस फोन की बैटरी के बारे में, तो यहाँ पर आपको 5500 mAh की एक पावरफुल बैटरी देखने को मिलेगी, जो कि 55W के फास्ट चार्जिंग के साथ आने वाली है और इन द बॉक्स आपको 55W का फास्ट चार्जर भी मिल जाएगा। और इसी के साथ इस फोन के अंदर आपको टाइप सी पोर्ट एंड 3.5mm का ऑडियो जैक भी देखने को मिलेगा। दोस्तों अब फाइनली बात करते हैं इस फोन की प्राइस और लॉन्च डेट के बारे में। तो दोस्तों इस फोन के बेस ब्रांड की एक्सपेक्टेड प्राइस हो सकती है इंडिया के अंदर अप्रोक्स 18,000 से 20,000 रुपए के बीच में। तो दोस्तों 18,000 से 20,000 रुपए में आपको इस फोन के अंदर देखने को मिल जाता है MediaTek का लेटेस्ट प्रोसेसर, 108 मेगापिक्सल का पेंटा कैमरा सेटअप और इसी के साथ 5500 mAh की एक पावरफुल बैटरी। अगर दोस्तों ये स्मार्टफोन 18,000 से 20,000 रुपए की प्राइस में इंडिया के अंदर देखने को मिलेगा, तो दोस्तों इंडिया का एक बेस्ट किलर स्मार्टफोन होगा। तो दोस्तों फाइनली अब बात करते हैं इस फोन की लॉन्च डेट के बारे में। तो Xiaomi इस स्मार्टफोन को सितंबर के मंथ में इंडिया के अंदर लॉन्च कर सकता है। तो आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग लगी होगी, सो अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिए। तो दोस्तों हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप स्माइल, कीप सपोर्टिंग।